उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, भारतीय जनता को धोखा दिया, विश्वासघात किया। वे जिस स्थान पर है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के, भारत राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करेंगे, परंतु वहां रहकर उन्होंने भारत के वित्तीय हितों को लूटने वालों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि उस लूट को ढकने की कोशिश में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, सलाह दी। और जिस प्रकार से उनकी सलाह के अनुसार श्री राजा ने स्वयं और इनिटेक को शेयर आवंटित करने को न्याय सिद्ध किया, उसका रहस्योद्घाटन और उसको बेनकाब किया है उन्हीं के मंत्रालय के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने तुरंत अपने शेयर अचानक तूफानी फायदे के लिए उन दो विदेशी कंपनियों को बेच दिए, एटीसेलेट डीबी को, जिसका दाऊद इब्राहिम जैसे राष्ट्रद्रोही और भारत द्वारा सैकड़ों लोगों के की हत्या में वांछित अपराधी के साथ पाया जाता है। इससे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अपराध और द्रोह क्या हो सकता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस कंपनी को विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून का उल्लंघन करने के अपराध में 7,000 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है। यह भारत के इतिहास में असाधारण और अभूतपूर्व है। और इस अपराध में श्री चिदंबरम उतने ही दोषी हैं, उसी स्तर के दोषी हैं जिस स्तर के अपराधी श्री राजा को पाया गया। मित्रों, दूसरा विषय मैं भारत के तर्क तो नहीं कुतर्क शिरोमणि कहना चाहिए, श्रीमान सिब्बल साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है कहना चाहूंगा, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक भ्रष्ट न्यायाधीश को एक बार महाअभियोग से बचाया था, संसद में अपनी चतुराईपूर्ण वार्ता और बहस के जरिए। उन्होंने कहा है कि श्री प्रशांत भूषण और उनके स्वयंसेवी संगठन ने जो जनहित याचिका दी उसको उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष का बदला लेने वाला एक कदम बताया है। हम इससे स्तब्ध हैं। वे कैबिनेट के मंत्री हैं और वे कहे कि जनहित याचिका जो न्यायालय सुन रहा है, क्या न्यायालय श्री सिब्बल के विरुद्ध एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा प्रतिशोध या पर्सनल स्कोर सेटल करने का उपकरण बन रहा है? वे यह कहना चाहते हैं, वे न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, वे उसका मान भंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि द चार्जेस अगेंस्ट मी आर मैलिशियस, मोटिवेटेड एंड डिफेमेटरी। मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री सिब्बल की लड़खड़ाती हुई सफाई और स्पष्टीकरण, तथा कथित स्पष्टीकरण मैलिशियस, मोटिवेटेड और डिफेमेटरी है भारत राज्य के खिलाफ। श्री कपिल सिब्बल कुतर्क करने में शिरोमणि हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट की स्थिति का दुरुपयोग भारत राज्य के वित्तीय हितों के विरुद्ध निर्णय लेने में किया है। जिस भारत राज्य को भारतीय जनता के साथ धोखा और बेईमानी करने वाली एक टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माने से 650 करोड़ रुपए प्राप्त होते, क्योंकि मुनाफाखोरी की इच्छा के कारण उसने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दी और उसके कारण भारत सरकार की नियामक संस्था द्वारा उस पर जुर्माना किया गया और उस जुर्माने की स्वीकृति टेलीकॉम सचिव तक ने दी, उसकी
प्रथम चरण एक सर्किल पर जो जुर्माना हुआ, अगर 13 पे होता तो 650 करोड़ रुपए मिलता। एक सर्किल पे जो जुर्माना किया गया वह 50 करोड़ का जुर्माना था। जिस जुर्माने को ईमानदार अधिकारियों ने हस्ताक्षर करके उचित ठहराया, स्वीकृत किया, सिब्बल साहब ने उसे, उस अरबपति संस्था और कंपनी को सिर्फ 500 रुपए रोजाना के जुर्माने में बदलकर 5 करोड़ कर दिया। ये 50 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं और जनता जानना चाहती है। सिब्बल साहब, आप किसको धोखा दे रहे हैं? 50 करोड़ जो भारत की के राज्य को प्राप्त होता, उसे आप अपने कलम के नोक से एक झटके में 5 करोड़ कर देते हैं, तो इस बीच में क्या हुआ, यह आपको जनता को स्पष्ट करना होगा। मित्रों, श्री सिब्बल ने बड़े हास्यास्पद तर्क देकर कहा कि रिलायंस टेलीकॉम जो सेवाएं थी वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पता नहीं किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का, एक टेलीकॉम कंपनी जो बेईमानी के लिए, जो जनता से धोखादेही के लिए, जो जनता को अपनी सेवाएं न देने के लिए जुर्माने के कटघरे में खड़ी की जाती है, सिब्बल साहब अब उस कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। यह वास्तव में यह पूरी सरकार जनता को लूटने वाले भ्रष्ट मंत्रियों की रक्षा कवच बन गई है। द होल गवर्नमेंट हैज बिकम अ शील्ड टू द लूटर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया हु आर enjoying the perks and the berths in the cabinet. Mr. Sibal has said that the PILs should not be used to settle personal score. By saying this, he has insulted the institution of justice and the court. He means to say that the perhaps the courts have become an instrument to help the NGOs by accepting their PILs against him and facilitating the NGOs to settle inverted commas within their personal scores with Mr. Sibal. What does he mean? He's a cabinet minister. He's supposed to protect the financial interests of the nation. Whatever lame duck explanations that he has given, it raises more questions than it answers. He says that the charges against him are malicious, motivated, and defamatory. I charge him that his so-called explanation is malicious, motivated, and defamatory against the interests of the country and against the people of India. He is trying to use the jugglery of words to defend the indefensible. He has violated the confidence and the trust reposed in him by the people of India and by the Constitution of India. Because instead of protecting the financial interests of the country, he has become a party with those who have dishonestly looted and tried to make money by violating the law. Right from the small officer to the telecom secretary, everyone had approved that that particular Reliance company telecom should be fined for 50 crores for not providing services in one circle.
Mr. Sibal reduced the amount of fine from 50 crore to 5 crore. People would like to know what happened in between 50 crore and 5 crore. What happened? ये क्या मामला है? सिब्बल साहब हिंदुस्तान को बताएं. The nation has lost a revenue of 650 crore because of Mr. Sibal's overactive policy to protect the interest of one individual company and abandoning his dharma to protect the financial interests of the nation. We are shocked to see the stunning silence of Sonia Gandhi on this whole scandal. ये सन्नाटा क्यों है सोनिया जी का इस तमाम बेईमानी और भारत की लूट के मामलों के बारे में? विदेश के गरीबों के बारे में चिंतित हो, किसानों के बारे में चिंतित हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भारत की लूट है, ये सबसे ज्यादा भारत के गरीबों, दलितों, किसानों को आहत करने वाली है. और इस लूट के कारण जो महंगाई और भ्रष्टाचार होता है, उसके नतीजे में भारत के हजारों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है. ये गरीबों के प्रति वही विदेशी नीति और आक्रामकता है जो सरहद पार से आए विदेशियों ने यहां अपनाई थी. मित्रों, बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी श्री धनकर साहब किसानों के संदर्भ में आपको कुछ बात बताएंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद.